राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने एक वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देश में रोजगार सृजन और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके तहत ही दीपक बैज ने मास्टर प्लान जारी करते हुए कहा कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के स्किल्ड बेरोजगार युवाओं को 1,00,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने देश की अर्थव्यवस्था, किसान और युवाओं को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान जारी कर दिया। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस बात को कांग्रेस पार्टी करती है कि देश का विकास तभी तेज गति से संभव है जब देश की युवा शक्ति का भरपूर उपयोग हो, हर हाथ में काम हो, कोई युवा बेरोजगार ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अन्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं कांग्रेस नेता अन्य श्री राहुल गांधी जी ने यह वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार देश में रोजगार सृजन और रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु माननीय राहुल गांधी जी ने 5 चरणों में युवा न्याय की घोषणा किया है, जो कांग्रेस की घोषणा जो कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की युवाओं को भविष्य को देखते हुए जो एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। आदरणीय साथियों, आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा हुई थी और समापन के अवसर पर जब अंबिकापुर में सभा हुई, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा थी कि हम पूरे देश के किसानों को MSP की गारंटी देंगे, स्वामी नाथन कमेटी के अनुसार रहेगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गारंटी युवाओं, देश के युवाओं के लिए है जो देश का भविष्य तय करते हैं। पहला भर्ती का भरोसा कांग्रेस गारंटी देती है कि वह प्रकाशित रोजगार कैलेंडर के अनुसार केंद्र सरकार में 20,00,000 नौकरियां उत्पन्न करेगी।